अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहसिन दफा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर ऑनलाइन। दोस्तों, हमने प्रोग्रामिंग क्लास की सीरीज ऑफ लेक्चर शुरू किए थे और आज उस सीरीज का हमारा चौथा लेक्चर है। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसका जो टॉपिक है वो है हमारा फर्स्ट C++ प्रोग्राम। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्या किया था। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने डेव C++ को डाउनलोड कैसे करना है और कहां से करना है, और साथ के साथ हमने ये भी देखा था कि हमने उस डेव C++ को इंस्टॉल कैसे करना है। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि सिर्फ डेव C++ ही ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है जिसके अंदर हम ये सारा कोड करेंगे, बल्कि हमारे पास एक अल्टरनेट कोड ब्लॉक्स की सूरत में मौजूद है। तो हमने साथ ये भी देखा था कि हम कोड ब्लॉक्स को डाउनलोड कहाँ से करेंगे और फिर कोड ब्लॉक्स को इंस्टॉल कैसे करेंगे, और एंड पे हमने सी का एक प्रोग्राम भी देखा था। और मैंने आपको ये बताया था कि अगले लेक्चर के अंदर हम डिटेल में उस C++ प्रोग्राम के ऊपर बात करेंगे। तो आज की हमारी जो क्लास है वो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट सी प्रोग्राम है जो हमने पिछले लेक्चर में शुरू किया था उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि हमने उसको डेव C++ के अंदर कैसे लिखना है, और साथ ही हम उसको कोड ब्लॉक के अंदर भी लिखेंगे। तो चलिए हम लोग आज की क्लास का आगाज करते हैं। ये वही हमारी पिछली स्लाइड है जो हमने पिछली क्लास के एंड पर देखी थी, और इसमें मैंने आपको बताया था कि ये हमारा फर्स्ट सी प्रोग्राम है जो इसके जरिए जो है हम लोग प्रिंट करवा रहे थे वेलकम टू 24/7 टीचर ऑनलाइन। इसकी शुरू में लिखा हुआ है जी इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है जी, यूजिंग नेम स्पेस FTD, उसके बाद इंट मेन, उसके बाद ये फंक्शन है, ब्रेसिस शुरू हो गई, सी आउट लेफ्ट देन और इन्वर्टेड कमास के अंदर लिखा हुआ जी वेलकम टू 24/7 टीचर ऑनलाइन, और उसके बाद लेफ्ट देन एंड एल और रिटर्न जीरो और ब्रेसिस क्लोज हो गए। ये था हमारा प्रोग्राम। तो हमने मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारा ये जो सी का प्रोग्राम है इसके अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई हैं उनका क्या मतलब है, वो हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले देखें, हमने यूज़ किया है जी ये हैश साइन। अब हैश साइन क्या है जी, द साइन हैश इज़ नोन एज हैश एंड ऑल्सो कॉल्ड शार्प साइन। अब हम जितने भी सी के प्रोग्राम लिखेंगे उसके अंदर जो हम इंक्लूड जहाँ पे एक वर्ड यूज होगा उससे पहले हमने ये हैश साइन या शार्प का साइन लगाना है। इसके बाद हमने देखा कि इंक्लूड क्या है जी, इट इज़ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है एंड यूज टू इंक्लूड द फाइल्स इन द डेव C++, और ये हम लोग यूज करते हैं अपनी फाइल को इंक्लूड करने के लिए डेव C++ के अंदर, हमने जो फाइल इंक्लूड करनी है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद है आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम हम लोग क्यों यूज करते हैं, इट इज सिस्टम फाइल, ये हमारी सिस्टम फाइल है एंड देयर फॉर लुक फॉर इट अ स्पेशल प्लेस, और ये मतलब एक स्पेशल जगह पे पड़ी होती है, और इंक्लूड के जरिए हम ये पूरी की पूरी फाइल जो है अपनी उस जहाँ पे हमने कोड लिखा है उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। उसके बाद है नेम स्पेस FTD, इसका क्या मतलब है जी, इट इज इन बिल्ट C++ लाइब्रेरी रूटीन, ये हमारी C++ की एक लाइब्रेरी रूटीन है। इट इंक्लूड स्टफ लाइक फी आउट, फी इन, फटरिंग एट्सेट्रा, और ये जो हम इसके अंदर फी इन, फी आउट और फटरिंग वगैरह यूज करेंगे, मतलब ये फी इन और फी आउट के बारे में हम आने वाले आइंदा लेक्चर्स के अंदर भी डिटेल के ऊपर बात करेंगे, और फी आउट के बारे में तो आज के इसी लेसन में भी बात होगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इस लाइब्रेरी के अंदर इंक्लूड होती हैं।
और ये फिर लाइब्रेरी हम अपनी उस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग आगे चल के फी आउट और फी इन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मेन है जी, मेन के साथ ये ब्रैकेट्स दी गई हैं, इनको ब्रैकेट ही कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये ब्रैकेट आएंगी और उससे पहले कोई वर्ड लिखा होगा तो इसका मतलब ये है कि ये एक फंक्शन है। तो दिस फंक्शन इज यूज टू रन द होल प्रोग्राम इन डेव सी प्लस प्लस, और मेन का जो फंक्शन है हमारा, जितना भी कोड लिखा जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन द होल प्रोग्राम विल बी रन एंड कंपाइल। इसके ज़रिए जो है हमारा वो पूरा प्रोग्राम जो है वो रन होगा और कंपाइल होगा। उसके बाद ब्रेसिस हैं जी, ये दो ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रेसिस इनको कहते हैं, और इसके साथ ही एवरी ओपन ब्रेस देयर मस्ट बी अ मैचिंग क्लोजिस ब्रेस, और इन ब्रेसिस के अंदर जो प्रोग्राम का कोड लिखा जाता है तो मतलब ब्लॉक्स की सूरत में लिखा जाता है। तो हर जो ब्रेस है उसकी एक क्लोजिंग ब्रेस है और इसके अंदर हमने एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं। इसके बाद जी अगली हमारे पास जो वर्ड था वो फी आउट था। फी आउट दिस इज नोन एज आउटपुट स्ट्रीम इन फी प्लस प्लस, इट प्रिंट डेटा ऑन स्क्रीन। ये हमारे पास आउटपुट स्ट्रीम है और इसके ज़रिए जो है हम लोग अपना जो डेटा है जो हम फी का कोड के अंदर लिखेंगे और अभी मैं आपको लिखकर भी दिखाऊंगा वो हम स्क्रीन पर प्रिंट करवाते हैं। इसके बाद हमारे पास ये लेफ्ट देन की ब्रैकेट है, इट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ डेटा, ये हमारी डायरेक्शन ऑफ डेटा को इंडिकेट करती है, मीन्स डेटा इज गोइंग फ्रॉम डी प्लस प्लस डेव सी प्लस प्लस टू द स्क्रीन, के इफ ये इंडिकेट कर रही है कि हमारा डेटा जा रहा है, और ये कहाँ जा रहा है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर जा रहा है, और अगर हमारी ये ग्रेटर होंगी तो इसका मतलब यह है कि डेटा आ रहा है, और डेटा कहाँ से आ रहा है जी, कंप्यूटर को दे रहे हैं एक यूज़र और वो हमारे डेव सी प्लस प्लस या कोड ब्लॉक्स के अंदर आ रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट मतलब प्रोग्राम जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा, और मैंने आपको इसका हर जो वर्ड है उसको विद इन डिटेल समझा दिया कि ये कैसे होगा। अब हम जो है इफ ये जो हमने प्रोग्राम देखा है पहला, इसको मैं आपको डेव सी प्लस प्लस में भी और कोड ब्लॉक्स के अंदर भी आपको करके दिखा देता हूँ, और फिर ये भी बता देता हूँ कि डेव सी प्लस प्लस यूज करने का क्या फायदा है, और साथ ही जो है हमारा कोड ब्लॉक यूज करने का क्या फायदा है। सबसे पहले मैं आपको कोड ब्लॉक के बारे में बता देता हूँ। तो कोड ब्लॉक पे चलते हैं जी और देखते हैं, यहाँ पे हमने सर्च किया कोड ब्लॉक, CODE कोड, ये हमारे पास कोड ब्लॉक की एप्लीकेशन आ गई। तो कोड ब्लॉक के ऊपर हमने क्लिक किया तो कोड ब्लॉक का जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारे सामने ओपन हो गया, और यहाँ पे हमने क्या करना है जी, यहाँ पे आके ये देखें, ये लिखा हुआ है जी क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ से भी हम क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी ये प्लस का सिंबल बना हुआ है, न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, और वर्क प्लेस पर जाके वहाँ से भी हम कर सकते हैं, या फाइल में जाके यहाँ से भी हम लोग एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखें काफ़ी सारी आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, ARM प्रोजेक्ट है, AVR प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग जो है कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो कंसोल एप्लीकेशन एक ब्लैक स्क्रीन के ऊपर, तो कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक किया और गो कर दिया, यहाँ से हमने नेक्स्ट किया, और ये देखें हमारा फी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, इसको फिर नेक्स्ट किया, यहाँ पे हमने डालना है जी प्रोजेक्ट का टाइटल। अब प्रोजेक्ट का टाइटल जो है वो मैं लिख देता हूँ जी, फर्स्ट प्रोग्राम प्रोजिया प्रोग्राम, ठीक है जी, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट फी का प्रोग्राम है। यहाँ से हमने उसको लोकेशन देनी है कि वो प्रोग्राम कहाँ पे सेव होना चाहिए, डेस्कटॉप के ऊपर हमने क्लिक किया, ओके किया, और यहाँ पे नेक्स्ट किया, तो हमारा ये जो है ये एक डिफ़ॉल्ट उसकी फिटिंग आ गई, इसको आपने नहीं छेड़ना, और इसको हमने फिनिश कर दिया। अब देखें हमारे सामने यहाँ पे वर्क प्लेस के अंदर भी आ गया फर्स्ट प्रोग्राम, और यहाँ पे एक सोर्स आ गया, और सोर्स के ऊपर जब हमने क्लिक किया तो हमारे पास main.cpp एक फाइल आ गई है। cpp जो है वो बेसिकली एक्सटेंशन है C++ प्रोग्राम की। तो जब हम लोग मेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें कि हमारे पास जो है वो कोड सबसे पहले ही लिखा हुआ आ गया, जितना हमने फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर लिखा था, और यहाँ पे हमने लिखा था जी वेलकम
वेलकम टू 24/7 टीचर्स ऑनलाइन। टीचर्स ऑनलाइन ठीक है जी। और इनवाइटेड का माफ क्लोज कर दी। एंड एल जो है वो बेसिकली न्यू लाइन पे जाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये हमने यहाँ पे लिखा। अब जब हम ये प्रोग्राम लिख लेंगे तो हमारे पास दो चीज़ें हैं। सबसे पहले हमने प्रोग्राम को कंपाइल करना है और फिर रन करना है। हम ये दोनों काम इकट्ठे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये बिल्ड का दिया हुआ है। बिल्ड जो है बेसिकली इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे देखें ये रन का है, और ये अगला जो बटन है वो बिल्ड और रन का है। तो सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को बिल्ड करता हूँ। बिल्ड पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें नीचे ये जो कोड ब्लॉक है एक विंडो नज़र आ रही है, इसके अंदर देखें हमें 0 एरर है, 0 वार्निंग है और 0 मिनट है और 0 सेकेंड है। तो यहाँ पे अगर कोई एरर होगा हमारे प्रोग्राम के अंदर तो वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा, और अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं है तो वो फिर हमें शो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 0 एरर और 0 सारा कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अगर एरर होगा तो वो यहाँ आ जाएगा और फिर हमने उसको एरर को आइडेंटिफाई करना है और उसको दूर करना है, इसको डीबगिंग कहते हैं। अब यहाँ पे हमने रन का ऑप्शन है, रन किया तो हमारे सामने ये एक ब्लैक स्क्रीन आ गई और उस ब्लैक स्क्रीन के अंदर लिखा हुआ है जी वेलकम टू 24/7 टीचर्स ऑनलाइन। तो ये हमारा था फर्स्ट प्रोग्राम जो मैंने आपको कोड ब्लॉक्स के अंदर लिखकर भी दिखा दिया, ठीक है जी। इसके साथ ही हम वो यही प्रोग्राम जो है अपना वो हम लिखेंगे डेव सी प्लस प्लस के अंदर। तो हमने ये ओपन किया, ये हमारा डेव सी प्लस प्लस का आइकन है, इस पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें ये फाइल के बिल्कुल नीचे एक न्यू लिखा हुआ है और ओपन लिखा हुआ है, ठीक है जी। न्यू से जो है हम लोग एक नई फाइल ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें सोर्स फाइल है और प्रोजेक्ट है, तो हम लोग एक सोर्स फाइल बना लेते हैं। सोर्स फाइल बनाई तो ये देखें हमारे सामने। अब यहाँ पे जो है हमें वो सारा कोड लिखना पड़ेगा जो हमने उसके अंदर कोड ब्लॉक्स के अंदर ऑटो आ गया था, तो यहाँ पे हम लोग वो सारा प्रोग्राम लिखा, ठीक है जी। ये मैंने वहीं से कॉपी कर लिया था और यहाँ पे आके ये पेस्ट कर दिया, इसलिए हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो गया, वरना जो है हमें ये सारे का सारा कोड जो है वो लिखना पड़ता। अब इसमें भी हमारे पास ऑप्शन है। सबसे पहले तो हम इसको फाइल को सेव कर लेते हैं। हमने फाइल को सेव करने के लिए लिखा, सेव पे क्लिक किया फाइल में जाके, और ये हमने लिखा जी फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम प्रोग्राम, ठीक है जी। ये हमारा फर्स्ट, और इसको हमने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। सेव करने के बाद इसमें भी वही तरीक़ेकार है कि हम जो है सबसे पहले इसको कंपाइल करेंगे और फिर रन करेंगे। अब यहाँ पे देखें ये कंपाइल है, F9 की भी आप प्रेस कर सकते हैं, और इसमें ये रन है F10 के लिए, और फिर ये हमारे पास कंपाइल और रन इकट्ठा। उस पर हमारे पास बिल्ड था और रन था, तो हमने सबसे पहले कंपाइल पर क्लिक किया। कंपाइल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है ये प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, और यहाँ पे भी वही एरर 0 वार्निंग 0, और आउटपुट फाइल एक हमारी ये जनरेट कर देगा, और ये आउटपुट साइज आ गया और कंपाइल टाइम आ गया। इसके बाद ये हमने इसको रन करना है। जब हम रन पे क्लिक करेंगे तो इसके नतीजे में भी हमारे पास ये एक ब्लैक कंसोल स्क्रीन ओपन होगी, और उसके ऊपर वो लिखा हुआ है जो हमने सी आउट के जरिए मतलब लिखा था वेलकम टू 24/7 टीचर्स ऑन लाइन। और मैंने आपको बताया था कि सी आउट जो है बेसिकली वो स्क्रीन के ऊपर डेटा को प्रिंट करवाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे प्रेस है निकी जो कंटिन्यू है, ये जब हम प्रेस करेंगे तो ये हमारी कंसोल ब्लैक स्क्रीन गायब हो जाएगी। ये हमने क्लिक किया और ये गायब हो गई, और इसको हमने क्लोज कर दिया। दोस्तों ये था हमारा मतलब आज का फर्स्ट सी प्रोग्राम जो मैंने आपको कोड ब्लॉक में भी और डेव सी प्लस प्लस दोनों में करके दिखाया। अगले आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर ये हम किसी एक के अंदर किया करेंगे, मतलब या तो हम डेव सी प्लस प्लस में ये राइट किया करेंगे या फिर जो है हम लोग इसको कोड ब्लॉक के अंदर, और इन सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हम इन दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे ताकि आप लोगों के लिए
आसानी रहे। उम्मीद है आप लोगों को मेरे लेक्चर जो हैं वो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, इन पे लाइक कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट्स की जरूरत में ज़रूर दीजिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली जो नई वीडियो है वो आप लोगों तक पहुँच सके और आप उन वीडियो से सीख सकें। अगली क्लास के लिए दोस्तों अगली क्लास तक के लिए मोहसिन भाई को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।